दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है सुधा मल्होत्रा को। सुधा मल्होत्रा का जन्म 30 नवंबर 1936 को दिल्ली में हुआ था। बचपन लाहौर, भोपाल और फिरोजपुर में बीता। चार भाई बहन थे जिनमें सुधा मल्होत्रा सबसे बड़ी थी। गाने का शौक उनको बचपन से ही था। घर में भी संगीत का माहौल था, कला प्रेमी लोग थे। संगीत के प्रति उनके लगाव को देख माता पिता हमेशा उनको संगीत सीखने को प्रोत्साहित किया करते थे। जब वो 6 साल की थीं, तब रेड क्रॉस के एक फंक्शन में मास्टर गुलाम हैदर ने उनको सुना। गुलाम हैदर सुधा मल्होत्रा की आवाज से प्रभावित होकर बोले कि आगे चलकर तुम्हारा बड़ा नाम होगा। बाद में सुधा मल्होत्रा का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने देशबंधु सेठ जी से क्लासिकल की ट्रेनिंग लेना शुरू किया और लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने भी लगी। सुधा के पिता एक शिक्षक थे जो प्रिंसिपल का जॉब मिलने के बाद भोपाल में ही शिफ्ट हो गए। सुधा मल्होत्रा ने आगरा यूनिवर्सिटी से संगीत में ग्रेजुएशन किया था, जिसकी वजह से बॉम्बे आना जाना रहता था। संगीतकार अनिल विश्वास उनके मामा के मित्र थे। एक बार एक पार्टी में संगीतकार अनिल विश्वास ने उनको गाते हुए सुन लिया और अपनी फिल्म आरजू में गाने का ऑफर दे डाला। शशिकला पर पिक्चराइज्ड उनका गीत था मिल गए नैन। सुधा मल्होत्रा उस समय मात्र 14 साल की थी। बस इस मौके के बाद फिल्मों के लिए गाने का सिलसिला चल पड़ा। आंदोलन, धूल का फूल, अब दिल्ली दूर नहीं, गर्लफ्रेंड, बरसात की रात, मिर्जा गालिब, हीरा मोती, देख कबीरा रोया और प्रेम रोग जैसी कई फिल्मों में उन्होंने सदाबहार गीत गाए। 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित सुधा मल्होत्रा के गीत आज भी हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए हमारा ये शो सुहाना सफर विद अनु कपूर और 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम की तरफ से बहुत आभारी हूं, उनको नमन करता हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।